आगे पुलिस चली है गाइस। अभी नहीं भगाना हमने, ये देखो आगे पुलिस वाला चला है, अब हम आराम से चले। अरे भैया जी बुलेट लेके जा रहे हो और इतने आराम से चले हो, क्या कर रहे हो? ओ भाई ओ बहन चुदा, ऐसे बंदे मिलते ना यार। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष वर्मा स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को पता है ये मेरा सेकंड व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग मेरा आ चुका है और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आप दिखा रहे हैं फर्स्ट व्लॉग पे, बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना अपने भाई को। मिलो बर्थडे बॉय से मिलो आप। तो ये रहे हमारे बर्थडे बॉय, और ज़्यादा से ज़्यादा विश कर दो कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स फुल कर दो गाइज बंदे को, मतलब बर्थडे विश करो पूरी। सो हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर के बाद फिर देखते हैं कैसे क्या सीन बनता है, फिर एंजॉय सेलिब्रेट भी करेंगे, केक भी काटेंगे, और कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीन दिखाने की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम सेलिब्रेशन करेंगे वो आपको दिखाऊँ। और सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं, और अभी सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं हेलमेट लेने दो, क्योंकि हमारे साथ दो बंदे और जा रहे हैं, फिर हमारे पास हेलमेट दो ही है। अब ये खड़ी है हमारी रूबी, क्या सेक्सी लुक लगती है भाई इसकी यार, देखो एक बार, कल वॉश करवाई हुई है, एजेंसी में वॉश हो गई थी, क्या सेक्सी लग रही है भाई की यार, एक बार चेक कर लो लुक आप पीछे से भी, क्या भयंकर लगती है भाई। तब अपनी फेवरेट गली में, और जैसे कि मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता रहा था कि यहाँ का व्यू ज़बरदस्त आता है, और ये आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है यहाँ का, बड़ा सही लगता है यहाँ यार। चढ़ाई भी वैसी है यहाँ पे यार, मतलब समझ रहे हो ना, बाइक की पूरी जान लग जाती है यहाँ पे। तो गाइस अभी हमारे को जाना है हॉस्पिटल रोड, मतलब जो सोलन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तक हमें जाना है, वहाँ पे एक फ्रेंड मिलेगा, उसके पास हमने हेलमेट लेने हैं दो, क्योंकि हमारे पास जो हेलमेट कम है, बंदे हम चार हैं, हेलमेट हमारे पास दो ही है, तो हमें जाना है अभी ऊपर हॉस्पिटल रोड। पुलिस वाले ऐसे देखते हैं ना बाइक को, वैसे ही हमने एग्जॉस्ट मॉडिफाई करवा रखा है, एग्जॉस्ट की साउंड भी चेंज है। तो गाइज ये है सोलन का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, और अभी हमारे को दोस्त पता नहीं कहाँ मिलना रहे हो, आगे जाना पड़ेगा। ये है सोलन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो लोकल बंदे उनको तो पता होगा, बाकी जो बंदे भाई लड़कियों के रिएक्शन मिल रहे हैं ना तगड़े बंदों के यार, भयंकर रिएक्शन मिल रहे हैं बंदों के। बाजार सोलन का नीचे शूलिनी चौक इसको बोलते हैं, और यहीं हम वेट करेंगे भाई का। अरे भाई, और गाइस यहां पे कोई एक्सीडेंट केस आ चुका है, क्योंकि पुलिस भी है यहां पे, और अभी अभी एक स्वाट एम्बुलेंस आई है हमारे सामने, भगवान करे जिसका भी एक्सीडेंट हुआ और सेफ हो सुखी रहे, क्योंकि यार बहुत दिक्कत होती है आप समझ सकते हैं। तो गाइस ये सोलन का ट्रैफिक ना आपको पता है यार, बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे, वहाँ देखो कैसी ब्रेक के बजती है यहाँ पे। और हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये हेलमेट लाया ना सोनू यार, कैसा हेलमेट लाया, मतलब कसम से अजीब ही लग रहा है वो देखने को भी, शक्ल उसकी कैसी है ना, मैंने तो बोल दिया इसको मैं तो नहीं लगाऊंगा वो, ना मेरे बाइक पे ऐसा हेलमेट लगेगा। आगे पुलिस चली है गाइस। अभी नहीं भगाना हमने, ये देखो आगे पुलिस वाला चला है, अब हम आराम से चलेंगे प्यार से, हमको चलान नहीं करवाना है भैया, हमको चलान नहीं करवाना है। आ जाता है मेरे को कभी कभी ना खींचने की, रफ चलाने की, पर फिर ऐसा ही सीन है यार, समझ सकते हैं आप। निकल चुके हैं अब हम जा रहे हैं चायल काली टिब्बा मंदिर जो है, जो सोलन लोकेलिटी के बंदे उनको तो पता होगा काली टिब्बा मंदिर कहाँ है, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं उनको आज पता चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बहुत तगड़ी लोकेशन है भाई। और जो भाई ये पहुंच चुके हैं हम फिर से मॉल रोड सोलन, और यहाँ का रश आपको पता है ये कैसा होता है,
आपका भाई तो ऐसे निकालता जैसे बाइक भी पूरा साथ देती है यार मेरा। बढ़िया ओ भाई ओ बहन चलो, ऐसे बंदे मिलते ना यार रास्ते में, ना कोई देख रहा इधर ना पीछे ना कुछ नहीं, वहाँ जो सीधा टर्न ले रहा है, अभी बजना था वहाँ जो बेल एक्सचेंज करवा देना था इसने यार। समझ नहीं आता मेरे को बंदे को यार कैसे राइड करते हैं बंदे यार। अब मेरे साथ जो पीछे बंदा बैठा है वो डर रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ ना वो डर रहा है, पता नहीं क्यों डर रहा है, मेरे को भी समझ नहीं है। गाइस अभी बाइक में देख सकते हैं आप तेल नहीं है और मेरे को फ्यूल अप करवाना है, तो अभी फ्यूल अप करवा लेते हैं बाइक में। नहीं चलेगा तो भाई से भी थोड़ी देर के लिए मैंने स्पीड अप किया था क्योंकि आपको पता है आपका भाई ज़्यादा आराम से नहीं चल सकता, लेकिन जो मेरे साथ पीछे बंदा बैठा है ना वो ऐसा बंदा है कि बस क्या करें, भगाने नहीं दे रहा मेरे को बाइक। जा भाई थोड़ी जगह, यहाँ रोड के ना बुरा हाल है यार, आप देख सकते हैं सोलन से शिमला तक तो ज़्यादा ही बुरा हाल है, और सोलन से पीछे जो परमाणु तक था हाईवे उसमें तो वैसे ही मतलब उन्हें बुरा हाल कर रखा है प्रसाद ने, और इधर से ऊपर को आगे वो ऐसा है कि प्रसाद का यहाँ भी थोड़ा नुकसान हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हाईवे का ना रोड का बुरा हाल है, टूटा हुआ है रोड सारा। अरे पर मज़ा बताने का यही आता है यार, हाईवे तो हाईवे है, ट्रैफिक में ना सोलन ट्रैफिक में बोर हो जाता हूँ मैं। और अभी गाइस हम जहाँ जा रहे हैं ना जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन इतनी तगड़ी है ना मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका उसको देख के, एक बार चलो तो सही आप पहुँचो तो सही हमारे साथ वहाँ पे। बस मेरे साथ ये बंदा है ना पीछे बैठा ये डर बहुत रहा है, आपका भाई बता आपको कैसे चलता है। ओके हम साधुपुर में, यहाँ की लोकेशन आप एक बार चेक कर लो, तो ये है साधुपुर, और वो देखो पार्क बोर्ड लगा है ब्रेव हार्ट एडवेंचर इन साधुपुर, यहाँ पे नीचे शायद एडवेंचर कैंप भी है, और ये नीचे आप देख सकते हैं वाटर पार्क है यहाँ पे, मतलब एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म होता है और महंगाई भी वैसी होती है, आपको पता ही है महंगाई जहाँ टूरिज़म प्लेस है वहाँ महंगाई होगी। ये देखो यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों ने स्टे करना हो जो मतलब जो मेरे भाई दूर से आ रहे हैं और उन्हें स्टे करना हो तो होटल्स काफ़ी हैं यहाँ पे।
भी सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी पहले मतलब इतना नहीं आया। ये देखो यहाँ से सीधा आगे चला गया जुमका के लिए, और हमें जाना है चाइल्ड के लिए ऊपर, तो हम टर्न ले लेंगे यहाँ। आगे चला गया जुमका के लिए, अभी उनके लिए भी रुकना पड़ेगा। जाता हूँ यार, देखो आगे बुलेट वाला भाई जा रहा है ना, ये पता क्या कर रहा है, मतलब सीधा आ रहा है तो भगा रहा है, और जब मोड़ आ रहा है तो बिल्कुल जाम कर दे रहा है, ना तो मेरे को आगे निकलने दे रहा है इतनी देर से, काफ़ी देर हो चुकी है इसको यार, परेशान कर दिया इस बंदे ने, मतलब पता नहीं कैसे राइड कर रहा है यार भाई। अब पता नहीं भाई है कि अंकल है, लेकिन देखो सीधे में ना रेस लगाएगा हमारे साथ, इसने कैमरा देख लिया गोप्रो मुँह पे और रेस लगा रहा है अब हमारे साथ। अब देखो अब क्या करेगा, इधर ही देखिए लीन मारते टाइम ना बिल्कुल जाम कर देता है ये देखो। अब मेरे पास हॉर्न भी नहीं है, हॉर्न भी ख़राब है हमारा भाई, ये यार तंग कर रहा है क्या भाई, छपरी वाली राइड कर रहे हो यार। देखो देखो बिल्कुल मतलब जाम कर देता है मोड़ पे यार, अब ना तो मैं मोड़ पे रॉन्ग साइड निकल सकता। देखो अब यहाँ से ये खींच देगा ना, और मोड़ पे जाके इसकी फट जाएगी बहन भैया, यार फिर ऐसी क्या राइड करनी, या तो फिर मोड़ पे भी लीन भी उसी स्पीड में करो ना भाई जैसी स्पीड में तुम आप सीधे में खींच रहे हो। जब हम निकालने पे आएंगे ना तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भाई की बुलेट 350 cc है और हमारी बाइक 150 cc, लेकिन तब भी ये आ चुकी है लोकेशन, ये देख लो कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे, और बैठने का मज़ा आता है, मतलब यहाँ लास्ट टाइम जब भी आया था मैं तब भी यहाँ पे रुके थे, और शायद मैगी हम यहीं खाएंगे आते टाइम। यहाँ लोकेशन देख लो क्या बढ़िया लोकेशन है, आते टाइम यहाँ पे फोटो फोटो रील्स भी बनाएंगे दो चार, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं फाइनली हम काली डिब्बा के रास्ते पे, चायल वाला रास्ता अलग हो चुका है, और इस रास्ते पे ना जो इस रोड पे मेरे को राइड करने का बहुत मज़ा आता है, और इस रास्ते पे मतलब व्यू भी बहुत तगड़े तगड़े है मिलता है यहाँ के यार। और यहाँ लीन करने में दिक्कत हो रही है बाइक को, क्योंकि रोड थोड़ा गीला गीला है, थोड़ा आपको पता है ना गीले में डर रहता है स्कीड करने का, और वैसे ही पीछे जब दो बंदे हो फिर तो ज़्यादा डर रहता है। बड्डे वे यार बाइक अपने थोड़ा गर्म हो गया, दोनों बाइक अपनी है, एक भाई का योगी भाई का राइड फ्रॉम सोलन इनका चैनल है। योगी भाई तो हम पहुंच चुके हैं काली डिब्बा सोलन, और जूते ही खोलने पड़ेंगे हमारे को। फाइनली गाइस अभी हम निकल रहे हैं, आशीर्वाद हमने ले लिया और अब हम निकल रहे हैं सीधा। एक सीन हो गया यार, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है, स्विच ऑफ होने वाला है, पता नहीं कितनी देर रिकॉर्डिंग होगी। तो अभी हमारे को स्टोन टेंपल भी जाना था, शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँ वो स्टोन टेंपल क्योंकि रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी, हाँ बैटरी ख़त्म होगी क्योंकि। फाइनली गाइस आई होप आपने सारी वीडियो देख ली होगी, पूरा व्लॉग आपने देख लिया होगा, आप लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, और आज के ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। तो गाइज आगे भी मैंने आपको स्टोन टेंपल अभी दिखाना था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि गोप्रो की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, और फिर कैसे ही मैं शूट करता शूट नहीं हो पाया। वो दिक्कत ऐसी हो गई थी कि मेरी रेजोल्यूशन जो है वो 2.7K मैंने सेट कर दी थी सिनेमैटिक लेने के लिए, जब मैंने मंदिर का सिनेमैटिक लिया फिर मैंने 2.7K रेजोल्यूशन जो सेट की थी, और मैं उसको बाद में चेंज करना भूल गया, 1080p 60fps पे करना भूल गया, और वो उस पर वीडियो शूट होती रही, वो बैटरी मतलब डेड हो गई बिल्कुल गोप्रो की, तो आगे शूट नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करो जैसे आप पहले